हे गाइस, मैं हिमांशु अपने चैनल टेक शॉप पे हमेशा की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके सामने बोट वॉच मैट्रिक्स का सेटअप गाइड दिखाऊंगा कि इसको कैसे अपने मोबाइल से कनेक्ट करना है। बोट की वॉच है, इसका यूज़ कैसे करना है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए, अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस जब हम इसको बोट की वॉच को आपको लेते हैं, परचेज़ करते हैं, तो हमें इसमें क्या क्या मिलता है। एक तो हमें इसमें डेटा केबल मिलेगी, एक हमें इसका मैनुअल मिलेगा, एक वारंटी कार्ड है इसमें, और ये आपका एक बॉक्स रहेगा इसके साथ। तो ये हमें बोट वॉच मैट्रिक्स में मिलता है। इसका फ़ीचर मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, इसके फ़ीचर्स के बारे में हम बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे फ़ीचर्स हैं इसमें। सबसे पहले तो इसका जो स्ट्रैप ये इन्होंने दिया है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का स्ट्रैप है। इसका बॉडी जो है ये भी मेटल का है, बहुत अच्छी बॉडी है। अगर ये वॉच आपकी गिर भी जाती है आपके हाथ से, तो ये ख़राब नहीं होगी, टूटेगी नहीं। इसकी स्क्रीन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये स्क्रीन जो हमें इसमें मिल रही है, ये एमोलेड डिस्प्ले है। एमोलेड डिस्प्ले भी हमारी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। ये हमारी क्वालिटी और जो स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है, जो उसके कलर्स के फीचर्स हैं, उनको बहुत अच्छा डिस्प्ले करती है। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहले इसके सेटअप के बारे में देख लेते हैं कि हमें इसे अपने फ़ोन के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे ऑन करने के लिए ये जो पावर का बटन है, इसको कंटिन्यूअसली प्रेस करके रखेंगे। ये हमारी बोट की वॉच वाइब्रेट हुई, और वाइब्रेट होने के बाद हमारी ये वॉच ऑन हो गई है। अब ये हमारा ये डिस्प्ले आ गया है इसमें। इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में बोट क्रेस्ट की ये ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। बोट क्रेस्ट की ऐप हमें प्ले स्टोर में इजीली अवेलेबल है, तो वहाँ से हम इसको डाउनलोड करने के बाद जब इंस्टॉल करेंगे और पहली बार ओपन करेंगे, तो इस तरह से इसका कुछ फीचर दिखाई देगा आपको। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये इसके पूरे सेटअप गाइड आ रहा है कि इसमें कैसे कैसे इसको कर सकते हैं। हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद इसमें आ रहा है दोस्तों, डिसेबल बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, एनेबल ऑटो स्टार्ट, नो रेस्ट्रिक्शन, एनेबल ऑटो स्टार्ट। ऑटो स्टार्ट को हम एनेबल कर लेंगे। ये हमारी बोट क्रेस्ट, एनेबल ऑटो स्टार्ट। उसके बाद डिसेबल पावर ऑप्टिमाइजेशन, डन। उसके बाद हम बोट, वेलकम टू बोट क्रेस्ट, ये हमारी ऐप आ गई है। इसके बाद हम स्किप पे जाएंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो नंबर हमने इसमें किया हुआ है। सबमिट, कंफर्मेशन, मोबाइल नंबर एंटर्ड, ओके। ये हमारा कोड आ गया। साइन अप विद गूगल, गूगल से साइन इन करने के लिए हम अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे। ये ईमेल आईडी आ गई। सबमिट, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मैं मेल हूँ तो इसमें मेल सेलेक्ट किया। बर्थ, डेट ऑफ बर्थ 1985। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया, इसमें अपना मंथ सेलेक्ट किया, और उसके बाद ओके। हाइट सेलेक्ट करेंगे 165, 175। वेट सेलेक्ट करेंगे 60 kgs, ओके। 68 kgs, ओके। सबमिट, उसके बाद हम ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोबारा से। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब इसमें हमारा बोट वॉच मैट्रिक्स का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। लिंक विद बोट क्रेस्ट, मैट्रिक डीडीसी,
ये देखिएगा, हमने इसको दो तीन बार यहाँ पे सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो पेयरिंग है वो सक्सेसफुली पेयर हो चुकी है। वॉच पेयर होने के बाद दोस्तों ये इस तरह से हम से पूछेगा कि हमें कितने अपना स्टेप्स वगैरह रखने हैं और कितना इसमें हमें अपना आगे देखना है, जो सेट करके रखेंगे अपने गोल्स, अपने फिटनेस गोल्स। और एक बार हमने वो फिटनेस गोल्स, ये देखिए सिंक कंप्लीट, ये हमारी सिंक हो चुकी है वॉच। तो ये था दोस्तों इसका सेटअप गाइड, इसको अपने मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड के साथ कैसे कनेक्ट करना है इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया। अगर आपको स्टार्टिंग में कनेक्ट करने में, पेयर होने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको कंटिन्यूसली एक दो या तीन बार भी उसको पेयर करने को ट्राई करना है। जब आप एक दो बार ट्राई करेंगे तो आपका वॉच वे पेयर हो जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पेयरिंग से रिलेटेड अगर आपके और कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको हमेशा रिप्लाई करूँगा, गाइड करूँगा। आशा, और आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच।